हेलो एवरीवन, आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, ये आर्थ्रोस का मीनिंग होता है जॉइंटेड एंड पोडोस का मीनिंग होता है फूड। तो इनके अंदर जॉइंटेड फूड या फिर जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। जो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ये लार्जेस्ट फाइलम होता है किंगडम एनिमिलिया का। किंगडम एनिमिलिया है, उसके बहुत सारे फाइलम हैं, जिनमें से आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट वन। जो ये टर्म आर्थ्रोपोडा है, ये कॉइन की थी वॉन साइबोल्ड ने। इसके बाद इसके जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स के अंदर सबसे फर्स्ट फीचर है बॉडी डिवीजन। बॉडी या तो इसकी तीन सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, या तो ये दो के अंदर डिवाइड होती है। अगर ये तीन के अंदर डिवाइड होती है, तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन। ये तीन पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और ऐसा होता है इंसेक्ट्स एंड मिलीपेड्स के अंदर। लेकिन जब बॉडी डिवीजन दो पार्ट्स के अंदर हो, उस टाइम पे ये सिफेलोथोरिक्स एंड एब्डोमन के अंदर डिवाइड होगी, या फिर ये हेड एंड ट्रंक के अंदर डिवाइड होगी। ये जो सिफेलोथोरिक्स है, ये फ्यूज्ड हेड एंड थोरिक्स होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिफेलोथोरिक्स प्रेजेंट होता है, यानी उनका जो हेड है वो क्या है, थोरिक्स के साथ ही जॉइंट है। अगर ट्रंक की बात करें, तो इसके अंदर फ्यूज थोरेक्स एंड एब्डोमन होता है। दोनों के दोनों क्या होते हैं, थोरेक्स एंड एब्डोमन फ्यूज होते हैं, और ये प्रेजेंट होती है, ये जो पार्ट दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं क्रस्टेशियंस एंड एरेक्निड्स के अंदर। एंड जो ये हेड एंड ट्रंक पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं सेंटीपीड्स के अंदर। तो ये बॉडी डिवीजन होती है, तीन या फिर दो पार्ट्स के अंदर बॉडी डिवाइड कर सकती है फाइलम आर्थ्रोपोडा की। नेक्स्ट, इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। जो ये ऑर्गेनिज्म होगा, उसको हम दो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, तो इनके अंदर थ्री जर्म लेयर्स प्रेजेंट होगी, जिनमें से एक एक्टोडर्म होगी, इनर एंडोडर्म होगी, और बीच वाली मेसोडर्म प्रेजेंट होगी। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा इसके अंदर, अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। तो अलग अलग टाइप के इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होंगे। जॉइंटेड अपेंडिजेस होती हैं, ये तो हमने बात ही कर ली कि इनको जॉइंटेड अपेंडिजेस जो होती हैं, इनकी एक मेन करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और इन जॉइंटेड अपेंडिजेस के अंदर, जैसे कि ये एक अपेंडिजेस हो गया, इसके अंदर ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जो अलग अलग सेगमेंट हैं एक किसी भी जो अपेंडिजेस है आर्थ्रोपोड का, इनको बोलते हैं पोडोमियर्स, जो एक पार्ट है। ऐसे ही ये बहुत सारे इसके अंदर ये अलग अलग सब पार्ट्स हैं, इनको पोडोमियर्स बोलते हैं। अब ये जॉइंटेड अपेंडिजेस जो है, ये अलग अलग टाइप की मॉडिफिकेशन शो करते हैं। स्विमिंग टाइप हो सकते हैं वाटर बग्स के अंदर, पोलन कलेक्टिंग हो सकते हैं, पोलन कलेक्शन करेंगे हनी बी के अंदर, जंपिंग करेंगे ग्रास होपर के अंदर, ग्रैस्प करेंगे ये करेंगे प्रेइंग मेंटिस के अंदर, और इसको बोलते हैं रेप्टोरियल प्रोलैक्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से ये ग्रैस्पिंग करता है। डिगिंग टाइप जो है, ये होता है फोर्फिक्यूला के अंदर प्रेजेंट, और रनिंग टाइप होता है कॉकरोच के अंदर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होती है जॉइंटेड अपेंडिसेस की। नेक्स्ट, इसके अंदर एग्जोस्केल्टन प्रेजेंट होता है, और वो एग्जोस्केल्टन जो है स्क्लेरोटाइज्ड एग्जोस्केल्टन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये बना होता है स्क्लेराइट्स क्या होती है, काइटिनियस प्लेट्स होती है, जो कि काइटिन की बनी होती है। और काइटिन क्या होता है, एक मिक्सचर होता है लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोटीन्स का। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, अब ये एक्सटेंसर मसल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये फ्लेक्सर मसल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे कुछ आर्टिकुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है।
ये जो इसका जॉइंट है यहाँ पे आर्टिकुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। वैसे तो यहाँ पे एक्सोस्केलेटन हमने बोल दिया, लेकिन एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, लेकिन जहाँ पे जॉइंट होगा वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जो इसको सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल बनाएगी मूवमेंट के लिए। जो जॉइंट्स होंगे वहाँ पे प्रेजेंट होंगी, तो वहाँ पे क्या होंगे, ईजिली ये अपनी मूवमेंट कर सके। और जो जॉइंट है यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं ये एक पोडोमियर हो गया, ये भी पोडोमियर हो गया। तो इन पोडोमियर्स के बीच का जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है ये आर्टिकुलर मेम्ब्रेन का बना होता है, जो कि इसको एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है मूवमेंट के लिए। और इसको डिफेंसिव एक्शन करना हो या फिर प्रीडेटरी एक्शन करना हो, उसमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट, इसके अंदर जो हर एक सेगमेंट है इसका, वो सराउंड होता है 4 स्क्लेराइट्स के। 4 स्क्लेराइट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिनसे कोई भी सेगमेंट जो है वो सराउंड होगा। इन 4 स्क्लेराइट्स में से सबसे फर्स्ट होती है टर्सम। टर्सम जो है ये प्रेजेंट होती है डोर्सल साइड पे। ये हमने बात की है, ये बॉडी है यहाँ पे एक इंसेक्ट की बोल सकते हैं, या फिर एक आर्थ्रोपोड की, जिसके अंदर ये साइड हो गई डोर्सल, ये साइड हो गई वेंट्रल, और ये कौन सी हो जाएगी, लेटरल साइड हो जाएगी दोनों साइड। तो जो डोर्सल साइड है वहाँ पे प्रेजेंट होता है टर्सम। ये जो डोर्सल इसके सेगमेंट होंगे वो क्या होंगे यहाँ पे, उनको ही बोलते हैं टर्सम। एंड जो वेंट्रल सेगमेंट होंगे उनको हम बोलते हैं स्टर्नम। वेंट्रल सेगमेंट क्या होंगे, स्टर्नम होंगे यहाँ पे। और जो यहाँ पे लेटरल साइड में प्रेजेंट है उनको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, या फिर जो प्लूरल स्क्लेराइट्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो 4 टाइप के यहाँ पे स्क्लेराइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्क्लेराइट्स क्या करेंगे, जो ग्रोथ होती है, कंटिन्यूड ग्रोथ होती है, उसके अंदर ये हेल्प करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर एक फिनोमिना होता है इकाइडाइसिस का। इकाइडाइसिस क्या होता है, पीरियोडिक मोल्टिंग होती है। सब लोगों ने देखा होगा कि जो स्नेक्स होते हैं वो अपनी स्किन जो है वो कुछ टाइम के बाद उसको मोल्ट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं उस स्किन को। तो ऐसे ही इंसेक्ट्स के अंदर या फिर आर्थ्रोपोड्स के अंदर होता है पीरियोडिक मोल्टिंग होती है। और इसके अंदर एक एंजाइम, इसके अंदर एक हार्मोन होता है जो हेल्प करता है इकाइडोसोन। इकाइडोसोन जो है हेल्प करता है इकाइडाइसिस के अंदर। नेक्स्ट इज द एंडोस्केल्टन। एंडोस्केल्टन जो है इसके अंदर, ये फर्स्ट एनिमल है जिनके अंदर एंडोस्केल्टन प्रेजेंट होता है। एंडोस्केल्टन क्या करेगा, प्रोवाइड द सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल। और ये फर्स्ट एनिमल होते हैं जिनके अंदर वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती है। उन वॉलेंट्री मसल्स की अटैचमेंट के लिए जो एंडोस्केल्टन है वो अपना सरफेस प्रोवाइड करवाएगा। और ये जो एंडोस्केल्टन है वो बना होता है एपोडीम्स का। एपोडीम्स क्या होते हैं, जो सरफेस क्यूटिकल्स होती हैं उनकी इनग्रोथ होती है। फ्री प्लेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। फ्री प्लेट्स होती हैं स्क्लेरोटाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। एंडोस्टेनाइट होती है कार्टिलेजिनियस प्लेट, एंड डायफ्रैगम प्रेजेंट होता है काइटिनियस प्लेट्स का। ये कार्टिलेजिनियस है और ये काइटिनियस है। तो ये 4 टाइप के यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंडोस्केल्टन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल कैसी होगी इनके अंदर, बॉडी वॉल के अंदर इनके अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है सबसे आउटर मोस्ट, देन एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है सिंगल लेयर, और इसके ऊपर एपिडर्मिस के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और बेसमेंट मेम्ब्रेन और साथ में वॉलेंट्री मसल्स भी यहीं पे प्रेजेंट होगी बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे ही क्या प्रेजेंट होगी, वॉलेंट्री मसल्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होगी। इसके अलावा ये जो है, ये जो वॉलेंट्री मसल्स है वो हेल्प करती है रैपिड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। जब इसको एक तरह से जल्दी से कोई डिफेंसिव या फिर प्रीडेटरी मैकेनिज्म करना हो तो उस टाइम पे ये रैपिड मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जो है ये ट्रू सिलोमेट्स होती हैं, या फिर इनको स्काइजोसिलोमेट्स बोलते हैं। पहले ये ट्रू सिलोमेट्स थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो ट्रूसिलोम है इनका ये रिप्लेस कर दिया गया हीमोसिल के थ्रू, और ये फिर ये बन गए हीमोसिलोमेट्स।
ये रिप्लेस कर दिया गया और ये बन गए हीमोसील, हीमोसिलोमेट्स बन गए। हीमोसील क्या है, सूडोसील होता है ब्लड के साथ। हीमोसिल क्या होता है, सूडोसिल बोलते हैं इसको, एक तरह से फाल्स सिलोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्लड के साथ। तो अब ये जो ट्रू सिलोमेट है वो कन्फाइंड हो गया अराउंड द जेनिटियल ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक, सिर्फ वहीं तक रह गया, वहीं तक कन्फाइंड रह गया ये, और ये क्या बन गया, हीमोसिलोमेट बन गए। इसके बाद गट, गट के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट एंड कोल्ड होती है, यानी कि इसके अंदर एक इंजेशन के लिए माउथ होगा और एक इजेशन के लिए एनस प्रेजेंट होगी। तो इसके अंदर कंप्लीट एंड कोल्ड जो एलिमेंट्री कैनाल है वो प्रेजेंट होती है। जो ये एलिमेंट्री कैनाल है हमेशा तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट जो होती है इसको स्ट्रोमोडियम बोलते हैं, एंड मिडगट को मेजिंट्रोन बोलते हैं, एंड प्रोक्टोडियम को बोलते हैं हाइंडगट। तो ये तीन पार्ट प्रेजेंट होते हैं गट के। इसके बाद इनके अंदर माउथ पार्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा डिवेलप टाइप के माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये माउथ पार्ट्स अलग अलग मॉडिफिकेशन के बेस पे, अलग अलग फूड के बेस पे, अलग अलग टाइप के अंदर मॉडिफाई होते हैं। जैसे कि च्यूइंग टाइप प्रेजेंट होते हैं, कुछ एनिमल्स के अंदर च्यूइंग टाइप बॉडी माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, च्यूइंग पार्ट होते हैं कॉकरोच के अंदर। पायरसिंग एंड सकिंग टाइप, जिनको पायरस करना है पहले तो एक पंक्चर करना है स्किन के अंदर या फिर जहाँ से भी इनको अपना फूड लेना है, फिर ये सक करेंगे। तो पंक्चरिंग एंड सकिंग टाइप, पंक्चरिंग एंड सकिंग टाइप जो है ये प्रेजेंट होते हैं मॉस्किटोज के अंदर। जैसे हमने जो मलेरियल पैरासाइट पढ़ा था उस टाइम पे जो माउथ पार्ट्स है वो पायरसिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स थे। पहले तो जो भी उसका प्रोबोक्सिस है, जैसे कि स्किन होगी तो उसका जो प्रोबोक्सिस है मॉस्किटो का, वो क्या करेगा, एक पंक्चर करेगा स्किन के अंदर। पंक्चर करके फिर वो इस प्रोबोक्सिस को अंदर लेके जाएगा, जिसकी वजह से ये फिर बाद में क्या करेगा, इससे ब्लड सक करेगा। तो सकिंग की और इसने पायरसिंग की, तो ये मॉस्किटोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जिंग टाइप प्रेजेंट होते हैं हाउस फ्लाइज के अंदर, एंड लैपिंग टाइप प्रेजेंट होते हैं हनी बी के अंदर, एंड साइफोनिंग टाइप, जैसे कि एक तरह से ये क्या करेंगे, जैसे प्रोबोक्सिस होगी वैसे ही साइफोन करेंगे, एक तरह से सक करेंगे। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रेजेंट होते हैं बटरफ्लाइज एंड मोथ्स के अंदर, तो साइफोनिंग टाइप माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए इसके अंदर अलग अलग टाइप की जो मॉडिफिकेशन, जैसे जहाँ पे भी इसका हैबिटेट होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी मॉडिफिकेशन होती है। जैसे कि गिल्स प्रेजेंट होते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन के लिए, यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जो सो करेंगे। ये प्रेजेंट होते हैं क्रस्टेशियंस के अंदर, जैसे ये प्रॉन क्रैब्स, इनके अंदर ये गिल्स प्रेजेंट होंगे। ट्रैकिया प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलेंगे ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ये इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बुक लंग्स। बुक लंग्स जो है ये स्कॉर्पियंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और मोस्ट ऑफ द स्पाइडर्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं मीरोस्टोम्स के अंदर, जैसे कि किंग क्रैब हो गया, उसके अंदर बुक गिल्स प्रेजेंट होंगे। अब कुछ जो इस मेंबर्स है इस फाइलम के, वो जनरल बॉडी सरफेस से ही अपनी रेस्पिरेशन शो करते हैं, जैसे कि सिप्रिस हो गया। कुछ रेक्टल रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि साइक्लोप्स हो गया, वाटर फ्लू जिसको हम बोलते हैं, ये क्या करता है, रेक्टल रेस्पिरेशन शो करता है। तो ये अलग अलग टाइप की रेस्पिरेशन है जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा शो करता है। नेक्स्ट इज द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन यहाँ पे ओपन टाइप की सर्कुलेशन होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, जिसके अंदर ओपन टाइप का, तो यहाँ पे कोई ब्लड वेसल नहीं प्रेजेंट होगी। लेकिन यहाँ पे मैनी चैम्बर्ड ट्यूबुलर हार्ट प्रेजेंट होते हैं, मैनी चैम्बर्ड ट्यूबुलर हार्ट प्रेजेंट होंगे। 13 चैम्बर्ड कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होता है, 13 चैम्बर्ड ट्यूबुलर हार्ट कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो यहाँ पे ट्यूबुलर हार्ट प्रेजेंट है वो क्या होंगे, यहाँ पे ये जो शो कर रहे हैं ये ट्यूबुलर हार्ट है यहाँ पे। अब ये जो ट्यूबुलर हार्ट है इनकी एक ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग को बोलते हैं ओस्टिया। पेयर्ड लेटरल अपर्चर्स होते हैं जिसको ओस्टिया बोलते हैं।
इसके अलावा इसके अंदर हीमोलिम्फ प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं कलरलेस ब्लड। जैसे लिम्फ जो है वो कलरलेस होता है, हीमो यानी कि ब्लड हो गया, तो ये कलरलेस ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। हीमोसाइट्स यानी कि जैसे कि एक तरह से ब्लड कॉर्पसल्स होती है, उनको हीमोसाइट्स बोलते हैं। और ये जो हीमोसाइट्स है यहाँ पे फैगोसाइट्स की तरह एक्ट करती है। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एंटेनरी और ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं क्रस्टेशियंस के अंदर। ये ग्रीन ग्लैंड होगी जो कि एंटेनरी और ग्रीन ग्लैंड होगी जो कि क्रस्टेशियंस के अंदर प्रेजेंट होती है। इनके अंदर एक एंडसैक होता है, लैब्रियंथ होता है, ये नेफ्रिडियल कैनाल होती है और ये ब्लैडर होता है। और ये फाइनली यहाँ से जो भी है इनको यूरिन थ्रो करती है। इसके बाद नेक्स्ट इज द मालफीजिन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है इंसेक्ट्स के अंदर, सेंटीपीड्स के अंदर एंड मिलीपीड्स के अंदर। तो ये ऐसी मालफीजिन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगी, ये क्या होगी यहाँ पे इंटेस्टाइन होती है, या फिर हम बोल सकते हैं इंटेस्टाइन तो नहीं बोलेंगे, गट प्रेजेंट होती है। गट के अराउंड जो मिड गट एंड हाइड गट का जो जंक्शन होता है, जंक्शन बिटवीन मिड गट एंड हाइड गट, उन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है वहीं पे क्या प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट होती है जिनको मालफीजिन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। कुछ के अंदर कॉक्सल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, लाइक स्कॉर्पियन एंड मोस्ट ऑफ स्पाइडर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होगी, ये कॉक्सल ग्लैंड होगी इसका। और जो एंटेनरी और ग्रीन ग्लैंड का स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस सिमिलर ही है। इसके बाद इनके अंदर मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट के बेस पे ये अमोनोटेलिक होते हैं एक्वेटिक फॉर्म्स के अंदर, जैसे कि क्रस्टेशियंस हो गए। मेन नाइट्रोजन वेस्ट यानी कि ये अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, यूरिया या फिर यूरिक एसिड, उसके बेस पे अमोनोटेलिक होते हैं, यानी कि अमोनिया यहाँ पे मेन नाइट्रोजन वेस्ट होगा एक्वेटिक फॉर्म्स के अंदर, ये क्रस्टेशियंस के अंदर प्रेजेंट होता है। यूरिकोटेलिक होता है टेरिस्ट्रियल फॉर्म्स के अंदर, जैसे कि इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स एंड स्कॉर्पियंस के अंदर। तो ये यहाँ पे मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा, यहाँ पे ये यूरिकोटेलिक होंगे। नेक्स्ट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये फर्स्ट एनिमल्स हैं जिनके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है एकाइडाइसिस, अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर, रेट ऑफ हार्ट बीट, स्किन कलरेशन, कैल्सिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन एंड रिप्रोडक्शन। ये अलग अलग टाइप की यहाँ पे क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर जो हॉर्मोन्स होगी, जो सिक्रीशंस होगी वो कंट्रोल करती है। इनके अंदर जैसे कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है प्रोन के अंदर, वो भी क्या है एंडोक्राइन सिक्रीशन करेगी, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। इंटरसेरिब्रल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, इंटरसेरिब्रल ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि ब्रेन हॉर्मोन सिक्रीट करेगी। यहाँ पे नेक्स्ट इज द कॉर्पोरा कार्डिएका। कॉर्पोरा कार्डिएका क्या करेगी, ग्रोथ हॉर्मोन सिक्रीट करेगी। एंड कॉर्पोरा एलाटा क्या करेगी, जुविनाइल हॉर्मोन सिक्रीट करेगी निम्फल स्टेज के अंदर। इनके अंदर जो निम्फ होता है, जुविनाइल जो स्टेज आती है तो उसको निम्फ बोलते हैं। तो जब जुविनाइल हॉर्मोन सिक्रीट करेगी निम्फल स्टेज के अंदर, और गनेडोट्रोफिन हॉर्मोन सिक्रीट करेगी अडल्ट्स के अंदर, कॉर्पोरा एलेटा। इसके बाद प्रोथोरेसिक ग्लैंड, ये इकाइडोसोन जो हॉर्मोन होता है वो सिक्रीट करेगी। नेक्स्ट इनके अंदर फिरोमोन्स प्रेजेंट होते हैं, ये फर्स्ट एनिमल है जो कि फिरोमोन्स प्रोवाइड करवाते हैं, फिरोमोन्स पोजेस करते हैं। फिरोमोन्स क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सिग्नल्स होते हैं जो कि, या फिर कुछ हॉर्मोन्स हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं जो कि सीक्रेट किए जाते हैं एयर के अंदर इंटरस्पेसिफिक केमिकल कम्युनिकेशन के लिए। अब ये सीक्रेट क्यों क्यों होते हैं, ये जैसे कि सेक्स अट्रैक्टेंट के लिए,
जो जिप्सी मोथ होती है उसके अंदर सेक्स अट्रैक्टिंग, जैसे कि जो भी एक ऑर्गेनिज्म हो गया उस, जैसे एक जिप्सी मोथ हो गई, वो दूसरी को अट्रैक्ट करना है उसको, उसके साथ मेटिंग करनी है, तो ये सेक्स अट्रैक्टिंग यानी फिरोमोन सिक्रेट करेगी। पाथ इंडिकेटर, जो वर्कर जो आंट होती है, जैसे कि यहाँ पे ये हमने मोस्टली हम देखते हैं कि जो आंट्स होती है वो एक रो के अंदर चलती है, तो रो की वजह से, रो के अंदर किसकी वजह से चलती है, फिरोमोन्स की वजह से, वो फिरोमोन सिक्रीट करती जाती है, तो पाथ इंडिकेट करती है कि नेक्स्ट जो मेंबर है उसका, उसके पीछे आए उस फिरोमोन को एक तरह से सेंस करके। टेरिटरी मार्कर होते हैं कि ये जो है ये टेरिटरी स्पेसिफिक इस ऑर्गेनिज्म की है, फिर इस इंसेक्ट्स की, इस आर्थ्रोपोड की है, दूसरा इसके अंदर ना आए, तो वो टेरिटरी, खुद की टेरिटरी मार्क करने के लिए भी फेरोमोन सीक्रेट करते हैं। अब कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर इस टेरिटरी में आना चाहे तो वो सेंस कर लेगा कि यहाँ पे फेरोमोन्स प्रेजेंट है, तो यानी कि वो इस टेरिटरी में मे बी ना जाए कि यहाँ पे ऑलरेडी ये ऑक्यूपाइड है। नेक्स्ट इज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर, इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सरकम इसोफेजियल नर्व रिंग यहाँ पे बनी होती है, यहाँ पे ये गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे, सुप्रा एंड सब इसोफिजियल गैंग्लिया, जो कि एक रिंग फॉर्म करेंगे, जैसे कि हमने अर्थवॉर्म के अंदर देखा था लास्ट वीडियो में। हम अर्थवॉर्म की जो सारे सिस्टम्स हैं, जो भी टाइप स्टडी है वो डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, तो वो सारे सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं। लिंक जो है प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। तो हम बात कर रहे थे सरकम इसोफिजियल नर्व रिंग की, तो अर्थवर्म के अंदर भी ऐसे ही था, वहाँ पे दो सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया प्रेजेंट थे और यहाँ पे कनेक्टिव्स प्रेजेंट थे, और वो क्या कर रहे थे, कनेक्टिव्स ज्वाइन कर रहे थे सब इसोफिजियल गैंग्लिया को। तो ऐसे ही इसके अंदर भी होता है, ये एक नर्व रिंग फॉर्म कर लेते हैं पूरे उनके अंदर, उसके अंदर क्या था, अर्थवर्म के अंदर फेरिंग्स के अराउंड नर्व रिंग फॉर्म हुई थी, तो यहाँ पे भी एक नर्व रिंग यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, और ये इसके वेंट्रल कॉर्ड प्रेजेंट है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो कि वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है, और इसके अंदर ये सेगमेंटल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग जो सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। ब्रेन जो है इसके अंदर तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, प्रोटो सेरिब्रम, ड्यूटो सेरिब्रम एंड ट्रीटो सेरिब्रम। तो ये जो ब्रेन है वो अलग अलग तीन पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें सेंस ऑर्गन्स इसके अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होंगे एनवायरमेंट को या फिर स्टिमुलस को सेंस करने के लिए, सबसे फर्स्ट एंटीने प्रेजेंट हो सकते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर। एंटीने जो है, अब ये जो एंटीने है ये आर्क आर्क जो एरकनीड्स हैं उनके अंदर एब्सेंट होते हैं, जो एरकनीड है उनके अंदर एब्सेंट हो गए, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं पेक्टीन्स। यहाँ पे जैसे हम एक बात करें एक आर्थ्रोपोड की, तो इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है ये क्या है, पेक्टीन्स है, यहाँ पे ये पेक्टिन्स प्रेजेंट है। पेक्टिन्स क्या करते हैं, टू एक्सप्लोर द सुटेबल मेटिंग साइट बाय द मेल। मेल जो है एक जो सुटेबल जो साइट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए इन पेक्टिन्स को यूज करता है। इसके अलावा इनके अंदर कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती है, कंपाउंड आईज जो है इनके अंदर बहुत सारी विजुअल यूनिट्स प्रेजेंट होती है, इन विजुअल यूनिट्स को हम ओमिटीडिया बोलते हैं या फिर सिंगुलर को हम ओमिटीडियम बोलते हैं। ये होती है नाइट विजन के लिए और मोजाइक इमेज के लिए, मोजाइक विजन में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट इनके अंदर स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है जो कि हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन की तरह एक्ट करता है, इनके अंदर स्टैटोसिस्ट भी प्रेजेंट होगा। इसके बाद तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखेगा। स्टिम्युलेटिंग ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हीरिंग के लिए, सेंसिले यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एनल सरकाई जो होती है जो लास्ट वाला जिसका पोर्शन होता है वहाँ पे एनल सरकाई प्रेजेंट होती है, तो इन एनल सरकाई के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सेंसिले प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मूलर ऑर्गन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक ग्रास ऊपर के अंदर मूलर ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे, सेंस ऑर्गन की तरह एक्ट करेंगे।
तो ये डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन हैं जो कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन कैसी होती है आर्थ्रोपोड्स के अंदर, यूनिसेक्सुअल और डायोसिस होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी शो करते हैं ये, यानी कि मेल और फीमेल को हम देख के कुछ कुछ डिफरेंस के बेसिस पे बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। गोनेट्स एंड गोनोडक्ट जो है वो पेयर्ड होती है। यहाँ पे इंसेक्ट्स के अंदर गोनोपोड्स प्रेजेंट होते हैं मेल मिलीपीड्स के अंदर एज कोपुलेटरी ऑर्गन। ये जो इंसेक्ट्स के अंदर ये जो गोनोपोड प्रेजेंट होगा वो जो कोपुलेटरी ऑर्गन है उसकी तरह एक्ट करेगा। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होती है टेरिस्ट्रियल फॉर्म्स के अंदर, लेकिन जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं उनके अंदर एक्सटर्नल होती है, जैसे कि क्रस्टेशियंस होगी, प्रॉन इसका एग्जांपल हो गया। जनरली ओवी पैरस होते हैं, लेकिन कुछ फॉर्म जो है वीवी पैरस भी होती है, जैसे कि स्कॉर्पियन हो गया। सेंट्रोलेसिथल एग टाइप ऑफ इसके अंदर एग प्रेजेंट होता है एंड क्लीवेज इज द सुपरफेसियल। नेक्स्ट हम जब हम आर्थ्रोपोडा के अंदर कॉकरोच की टाइप स्टडी डिस्कस करेंगे तो ये टाइप की जो क्लीवेज है या फिर एग है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये होगी रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट कैसे होगी आर्थ्रोपोड्स के अंदर, डायरेक्ट होती है डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट है तो वो कंप्लीटली डायरेक्ट हो जाएगी, जो ऑर्गेनिज्म है, यंग वन है, एडल्ट है, वो डायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है, एक लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है। लार्वल फॉर्म के अंदर जैसे कि मैगोट्स प्रेजेंट होते हैं हाउस फ्लाई के अंदर, ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं बीटल्स के अंदर, रेगुलर लार्वा प्रेजेंट होता है मॉस्किटोज के अंदर, नाइड प्रेजेंट होता है ड्रैगन फ्लाई के अंदर, कैटरपिलर एंड बटरफ्लाइज एंड मोट्स मोथ्स के अंदर कैटरपिलर प्रेजेंट होगा। एंड जो क्रस्टेशियंस हैं उनके अंदर भी अलग अलग टाइप के जो एक तरह से हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट स्टेज या फिर लार्वा प्रेजेंट होगा, जैसे कि नेपिलस, जोइया, प्रोटोजोइया, सिप्रिस हो गया, माइसिस हो गया, मेगालोपा हो गया, एलिमा होगा या फिर फाइलोसोमा होगा। तो ये क्रस्टेशियंस के अंदर और भी ज़्यादा वैरायटी प्रेजेंट होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर, जो एक तरह से लार्वे है या फिर स्टेजेस है वो प्रेजेंट होती है। तो ये डेवलपमेंट हो गई और रिप्रोडक्शन हो गई, किस किस टाइप की यहाँ पे डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनके अंदर और जो ये आर्थ्रोपोड्स है इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती है। डिफरेंट टाइप की मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती है, वेरिंग टाइप की डिग्री होती है मेटामॉर्फोसिस की अलग अलग लार्वल फॉर्म्स के अंदर। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जो यंग वन से अडल्ट फॉर्म होने के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ये पोरो मेटाबोली हो सकती है कॉकरोच के अंदर। पोरो मेटाबोली जो होती है इसके अंदर जो जो भी यहाँ पे अडल्ट जो भी चेंजेस आएंगे या फिर हम बोल सकते हैं जो यंग वन होगा या फिर वो अडल्ट में कन्वर्ट होगा, तो उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस जो होती है इनके अंदर वेरिंग डिग्रीज ऑफ मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती है लार्वल फॉर्म्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस के अंदर जो लार्वल फॉर्म से अडल्ट बनेगा जो चेंजेस आएंगे उसको ही मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि पोरो मेटाबोली कॉकरोच के अंदर होती है। इसके अंदर जो अडल्ट एंड जो जो एक तरह से जो मेटामॉर्फिक स्टेजेस होंगे या फिर इसके अंदर निम्फ स्टेजेस जो होंगी डेवलपमेंट की ड्यूरिंग, तो वो क्या होंगी, रिजेंबल करेगी जो अडल्ट स्टेज है उससे ही। हैमी मेटाबोली एंड होलो मेटाबोली, हैमी मेटाबोली प्रेजेंट होती है ड्रैगन एंड डैम्सल फ्लाइज के अंदर, ड्रैगन फ्लाइज के अंदर एंड डैम्सल फ्लाइज के अंदर। एंड तो जो हैमी मेटाबोली है वो क्या होती है, हैमी मीन्स हाफ, यहाँ पे पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। एंड होलो मेटाबोली मॉस्किटोज हाउस फ्लाइज मोस एंड बटरफ्लाइज के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है, होलो यानी कि
कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के मेटामॉर्फोसिस के टाइप्स प्रेजेंट होते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर। इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स के अंदर, कुछ आर्थ्रोपोड्स के अंदर पेरेंटल केयर भी देखी गई है, और कुछ आर्थ्रोपोड्स जो है पार्थिनोजेनेसिस भी शो करते हैं, जैसे कि हनी बी के अंदर ड्रोन्स होते हैं वो पार्थिनोजेनेसिस शो करते हैं, और साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस जैसे कि एफिड्स हो गई उनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो अगर हम इनको सम अप करना चाहे कि कौन से पेक्यूलियर फीचर्स हैं जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरोटाइज्ड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, फर्स्ट एनिमल है जिनके अंदर वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती है, बॉडी जो है 2 और 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट्स एंड उनकी मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए इनके अंदर गिल्स, ट्रैकिए, बुक लंग्स एंड बुक गिल्स प्रेजेंट होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए इनके अंदर एंटेनरी ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड, मालफीजिन ट्यूब्यूल और कोक्सल ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये फर्स्ट एनिमल है जिनके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड फेरोमोन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अब तक जो हमने एनिलीडा तक डिस्कस किए हैं उनके अंदर नहीं ये सब चीज़ें प्रेजेंट थी, ये फर्स्ट एनिमल है जिनके अंदर ये जो अलग करैक्टरिस्टिक फीचर है वो प्रेजेंट है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, बॉडी कैविटी जो है वो सूडोसील विद ब्लड कैपिलरी, जिसको होमोसील बोलते हैं, सॉरी विद ब्लड, क्योंकि इसके अंदर ओपन टाइप होता है तो ब्लड जो है वेसल्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, तो इसके अंदर सूडोसील जो कंडीशन है वो प्रेजेंट होगी। इसके बाद नर्व रिंग, इसके अंदर सरकम ईसोफिजियल टाइप की नर्व रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी, 1 pair ऑफ कंपाउंड आईज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंड 1 pair और 2 pair ऑफ एंटीने ऑन हेड प्रेजेंट होते हैं। मेल के अंदर गोनोपोड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करेंगे। डिवेलपमेंट जनरली इन्वॉल्व्स वेरियड डिग्री ऑफ मेटामॉर्फोसिस, जनरली इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है। तो ये कुछ पेक्यूलियर फीचर्स हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के। तो इसके साथ ही यहाँ तक हमारे करैक्टरिस्टिक फीचर्स कंप्लीट हुए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।